आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2DJ के बारे में, जो एक इम्पोर्टेंट टैग है। हाल ही में उसका बहुत ज़्यादा नाम सुनाई दे रहा है। फिर भी ये जो 2DJ ड्रग है, ये पहले से ही है एक एंटी कैंसर ड्रग के द्वारा। ये मतलब एंटी कैंसर ड्रग के हिसाब से ये यूज़ किया जाता था। तो पहले ये जो 2DG है, पहले हम सिंपली समझ लेते हैं 2DG के मैकेनिज्म, फिर थोड़ा एडवांस में जाएंगे। तो पहले ये 2DG जो डेवलप किया गया है, वो DRDO का एक लैब है, जिसका नाम है हमारा INMAS, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। एक लैब है, DRDO का ही एक लैब है, जो उसके द्वारा इसको और इन कोलाबोरेशन विद डॉक्टर रेड्डी के लैब और ये जो INMAS जो लैब है, इसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। तो पहले तो जो अब हमारा मतलब पिछले साल जब अप्रैल में हमारा कोरोना का पहला वेव आया, तभी इसको लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये जो हमारा कोविड टू जो वायरस में वो इफेक्टिव उसका जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर रहा था, मतलब ग्रोथ में उसका ये इनहिबिट कर रहा था उसका ग्रोथ, तो वो ग्रोथ नहीं हो पा रहा, तो ड्रग कुछ हद तक काम में आ रहा था। फिर DCGI जो देखने के बाद, DCGI हमारा है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ठीक है ये फेज 2 ट्रायल में इसको फेज दिया जाए। तो फेज 2 ट्रायल में क्या हुआ, 110 पेशेंट को लिया गया डिफरेंट स्टेट से, जो हॉस्पिटलाइज थे कोरोना से इन्फेक्शन जिसको हुआ था, तो उसको ये ड्रग दिया गया। ड्रग देने के बाद देखा गया कि उसका जो रिकवरी का रेट है वो बहुत जल्दी हुआ नॉर्मल से। और नेक्स्ट फिर इसको DCGI देख के फिर इसको थर्ड ट्रायल के लिए इसको भेजा, तो उसमें देखा गया करीब 220 पीपल के साथ, इंडिविजुअल के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया। फिर उसमें भी देखा गया कि ठीक है ये काम कर रहा है। जो ऑक्सीजन से डिपेंडेंस, मतलब सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो डिपेंडेंसी है, वो 42% से गिरकर 31%, मतलब उसका और ज़्यादा सप्लीमेंट ऑक्सीजन बाहर से नहीं देना पड़ रहा था उन लोगों को। तो रिकवरी रेट भी ज़्यादा हुआ, जो उसका मतलब नेगेटिव होने का जो रेट था, रिकवरी रेट है, वो भी जल्दी नॉर्मल से जल्दी हुआ। तो पहले तो हम एक चीज़ समझ लेते हैं, ये जो हमारा 2DG है, इसका काम करने का तरीका क्या है। तो जब हम 2DG ड्रग लेते हैं अंदर, ये सिंपली एक ग्लूकोज को जैसा ही है, हम पैकेट को काट के वाटर के साथ मिला के हम पी सकते हैं, तो ये एक पाउडर की फॉर्म में आता है। तो जब हम लेते हैं तो स्पेसिफिकली क्या करता है, इन्फेक्टेड सेल, मतलब आपका बॉडी का कोई सेल है वो कोरोना से इन्फेक्टेड हुआ, अभी उस पर्टिकुलर जो सेल है उसको जाकर उसमें अंदर ये जाके घुसेगा। घुसने के बाद ये क्या करेगा, उस सेल का जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो क्षमता है वो उसको डिक्रीज कर देगा। अभी उसका अगर सेल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो जो वायरस अपनी नंबर बढ़ा रहा था सेल के अंदर घुसकर, वो भी जिंदा नहीं रहेगा। तो सेल भी गया और इन्फेक्टेड सेल भी गया, और सेल के साथ साथ हमारा जो वायरस उसमें पनप रहा था वो भी चला गया। तो इस तरह से जो वायरस का जो ग्रोथ में ये इनहिबिट करता है, ग्रोथ में इनहिबिट करता है। तो पहले तो हम अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल में समझेंगे ये क्या होता है। तो पहले तो ग्लूकोज ये हो गया हमारा प्राइम, जो ग्लूकोज का नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये कार्बन 1, 2', 3, 4, ये हो गया 5, और ये हो गया हमारा 6' का 6 नंबर कार्बन। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज का नॉर्मल जो स्ट्रक्चर वो है, अभी यहाँ पर रहता है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हो गया हमारा नॉर्मल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यहाँ क्या आ रहा है ओ एंड एच। पर जब हम 2G का स्ट्रक्चर देखेंगे, 2G भी एक हमारा ग्लूकोज के जैसा ही है, सब सेम रहता है, सिर्फ किसमें चेंज होता है, इसमें दो नंबर में जो इसका OH है इसमें सिर्फ H रहेगा, इसमें ग्लूकोज में H है पर 2DG में सिर्फ H रहेगा, सिर्फ यही इसका डिफरेंस है और कुछ नहीं।
सिर्फ यही इसका डिफरेंस है। अभी ये 2DG तो हुआ, पर इसका काम का है, काम मैंने मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये तो पहले एंटी कैंसर ड्रग के जैसे यूज होता है, अभी एंटी कैंसर ड्रग के अंदर ये कैसे काम करता है, मे बी सेम सिमिलरिटी जो मैकेनिज्म है ये इन्फेक्टेड जो कोरोना वायरस का सेल है उसके अंदर भी ये मे बी सेम मैकेनिज्म शो कर रहा है। तो पहले तो ये हो गया जो नॉर्मल ग्लूकोज, पहले हम नॉर्मल ग्लूकोज को देख लेते हैं, एक मिनट इसको हम पहुंच रहे नॉर्मल ग्लूकोज देखते हैं, फिर हम देखेंगे 2G, तो इजीली हमको समझने में वो इजी होगा। तो पहले हो गया हमारा नॉर्मल ग्लूकोज, ये हो गया हमारा नॉर्मल ग्लूकोज, ये हो गया हमारा नॉर्मल जी फॉर ग्लूकोज। ये नॉर्मल ग्लूकोज क्या, ये एक नॉर्मल सेल है, सपोज ये एक हमारा नॉर्मल सेल है। नॉर्मल ग्लूकोज क्या करेगा, इस नॉर्मल सेल के ग्लूट ट्रांसपोर्टर रहते हैं, ग्लूट, इसको हम कहते हैं ग्लूट, GLUT। ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर का काम क्या है, तो ग्लूकोज को लेकर, मतलब ग्लूकोज ऐसे ही हमारा सेल के अंदर नहीं जा सकता, उसको ट्रांसपोर्टर का जरूरत होता है, तो ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये हमारा सेल के अंदर आ जाता है। अभी तो ग्लूकोज आ गया हमारा सेल के अंदर, अभी इस ग्लूकोज जो ग्लूकोज है इसको ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज से एंजाइम से इसको ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ये बनेगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से ये बनेगा हमारा अल्टीमेटली पायरुवेट, पायरुवेट, पायरुवेट के बनने के बाद ये हमारा चले आएगा एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए से ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अभी ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से जो हमारा ये आएगा और हमारा ATP प्रोड्यूस करेगा, या के इसका काम क्या है ATP, तो अल्टीमेटली हमारा ATP सिंथेसिस होगा, तो ATP अभी सिंथेसिस हो रहा है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल ग्लूकोज। अभी क्या हुआ, हम सिर्फ यहाँ पर एक ही एंजाइम को देखेंगे, वो है हेक्सोकाइनेस, बाकी एंजाइम का कोई जरूरत अभी नहीं है, तो सिर्फ हम किसको देख के पढ़ेंगे, ये हेक्सोकाइनेस। सो ग्लूकोज आया, ग्लूकोज सेल के अंदर आया, ग्लूकोज आने के बाद ग्लूकोज से ग्लूकोज, तो ये तो पूरा ग्लाइकोलाइटिक पाथ है, ये हमारा पूरा ग्लाइकोलाइटिक पाथ है, वो हो रहा है अभी। तो ग्लूकोज आया, ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना, वो हेक्सोकाइनेस, फिर ग्लूकोज 6-फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, फिर अल्टीमेटली बना हमारा पायरुवेट, जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे का एंड प्रोडक्ट है। पायरुवेट से फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होने के बाद हमारा एसिटाइल कोए बना, फिर एसिटाइल कोए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जाने के बाद हमारा अल्टीमेटली जो इंडायरेक्टली हमारा ATP सिंथेसिस हो रहा है। तो सेल अभी ATP इसको मिल रहा है। अभी जो 2DG आया, अभी क्या हुआ नॉर्मल, ये तो हो गया हमारा इन केस ऑफ नॉर्मल केस। अभी क्या हुआ, हम दे रहे हैं 2DG, ये हो गया हमारा 2DG। अभी ये क्या करेगा, ये भी जाएगा सेल का, ये भी मतलब ये जो 2DG है ये भी हमारा जाएगा इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू, मतलब 2DG जो मॉलिक्यूल है ये ग्लूको ग्लूट जो हमारा ट्रांसपोर्टर है ये इसको जाने में ठीक है तुम ही जाओ, तो 2DG ग्लूकोज अंदर तो घुस गया। अभी 2DG क्या करेगा, ठीक है अभी हेक्सोकाइनेस बोला ठीक है तुमको हम ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं किसने 2DG 6-फॉस्फेट में। अभी 2DG 6-फॉस्फेट में ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट, होने के बाद ये फ्रुक्टोज में होगा ट्रांसपोर्ट तो नहीं होगा, फिर ये फ्रुक्टोज में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, मतलब फ्रुक्टोज में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। 2DG हेक्सोकाइनेस यहाँ भी काम करेगा, हेक्सोकाइनेस से काम से ये तो 2DG 6-फॉस्फेट हमारा बना, पर ये फ्रुक्टोज में ट्रांसपोर्ट फर्दर नहीं होगा, तो पायरुवेट भी नहीं बनेगा, एसिटाइल को भी नहीं बनेगा, एसिटाइल को अंदर नहीं आएगा, तो ATP सिंथेसिस का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब 2DG काम करेगा तो ATP सिंथेसिस का जो रेट है वो कम हो जाएगा, ATP सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अगर 2DG का एक्यूमुलेशन, अगर 2DG इसमें ट्रांसफर होगा तो इसका एक्यूमुलेशन होता रहेगा, ये जो हमारा 2DG 6-फॉस्फेट है इसका एक्यूमुलेशन होता रहेगा। अगर सेल के अंदर ये 2DG 6-फॉस्फेट का एक्यूमुलेशन होता रहा तो ये जाके क्या इसको इनहिबिट करेगा, हमारा इनहिबिट करेगा हेक्सोकाइनेस को,
हेक्सोकाइनेज का जो है इसको जाके इनहिबिट करेगा, कौन, ये 2DG6 फॉस्फेट जाके इनहिबिट करेगा हेक्सोकाइनेज। अगर हेक्सोकाइनेज हो गया तो पूरा जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है, एनर्जी प्रोडक्शन का जो पाथवे है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सेल का काम क्या है, सेल एपोप्टोसिस में जा सकता है, सेल का भी एपोप्टोसिस में जाएगा। फिर और एक चीज होता है, हम देख लेते हैं, मतलब अल्टीमेटली सेल को एपोप्टोसिस में जाना ही है, उसको मरना ही है। फिर ये जो 2DG है ये और एक काम करता है क्या, तो ER के अंदर, सपोज ये हो गया हमारा ER के अंदर जा, ER के अंदर मतलब ER में ये इफेक्ट करता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन जो ग्लाइकोसाइलेशन हमारा होता है कहां, ER के अंदर एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन है उसको जाके इनहिबिट करता है। तो आप अगर एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन जो हमारा प्रोसेस है आप नहीं देखे तो प्लीज़ जाके हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करें, लिंक दिया हुआ है, तो काइंडली देख लीजिए, समझने में आसानी होगा। तो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन अगर प्रोसेस इनहिबिट कर दिया तो ये जो हमारा ER है, ये ER के अंदर क्या बढ़ेगा, स्ट्रेस, अभी इसके अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा। अगर ER के अंदर स्ट्रेस बढ़ा, ER के अंदर स्ट्रेस बढ़ा तो अल्टीमेटली ये दोनों मिलके क्या करेगा, सेल का एपोप्टोसिस कर सकता है, सेल का मतलब सेल को मार सकता है, एपोप्टोसिस कर सकता है। एक तरफ एटीपी का सिंथेसिस कम हो गया, दूसरी तरफ क्या हुआ, हमारे ER के अंदर जो एनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस हो रहा था वो भी डिक्रीज हो गया। अरे एनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन नहीं हुआ तो प्रोटीन फोल्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर पाथवेज भी ब्लॉक हो जाएगा, अगर ब्लॉक हो गया तो सेल को अल्टीमेटली मरना होगा। अगर सेल मर गया तो जो हमारा इन्फेक्टेड जो वायरस है, सपोज ये एंटी कैंसर ड्रग में ये इसका मेकानिज्म ऐसा है, तो मे बी सिमिलर जब इसका जो कोरोना इन्फेक्टेड जो सेल है उसके अंदर भी मे बी ये यही मेकानिज्म से ये काम कर रहा है, वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ कैसे काम कर रहा है मेकानिज्म से, अभी तो ट्रायल थर्ड ट्रायल है, मेकानिज्म ऑप्शन मे बी यही रहेगा क्योंकि उधर भी जो ग्रोथ है, मतलब SARS-CoV-2 वायरस का जो ग्रोथ है या COVID-19 वायरस का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ इनहिबिट हो रहा है, तो ग्रोथ इनहिबिट होने का मतलब क्या है, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो सेल से नहीं मिल रहा है, सेल ही अगर मर गया तो उसका रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगा, तो जो वायरस है वो इजीली डेड हो जा रहा है। अभी एक और चीज, मतलब ऐसा ये कोई मिरेकल ड्रग नहीं है, ऐसा बहुत सारा और ड्रग ऑलरेडी है, तो ऐसा कोई बात नहीं तो ये ड्रग लेके जो हमारा कोरोना है वो बिल्कुल हम नेगेटिव हो जाएंगे या बिल्कुल कोरोना चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ ड्रग को जब आएगा मार्केट में तो उसको खरीद के घर में ना रखें, और कोई भी ड्रग लेने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर कीजिए। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू।